हे बरेली, कैसे हैं आप सब। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम जानने वाले हैं बरेली के टॉप 5 स्कूल्स के बारे में। टॉप 5 स्कूल्स इन बरेली। टॉप पोजीशन पे आता है गुलाब राय मॉन्टेसरी स्कूल, GRM। ये एक CBSE बेस्ड को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल है। ये सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। स्कूल की शुरुआत 1953 में हुई थी और तब से हर साल ये अपने आप को इम्प्रूव किए जाता है और आज बरेली के टॉप स्कूल्स में से एक है। इस स्कूल का ओवरऑल स्कोर 10 out of 10 है और रेटिंग A1। सेकंड के बारे में जानते हैं। सेकंड पे आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये एक दिल्ली बेस्ड प्राइवेट स्कूल है जिसने अपने आप को इतना ग्रो कर लिया। इस स्कूल की ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया में तो ऑलमोस्ट हर सिटी में देखने को मिल जाती हैं। बरेली DBS की शुरुआत 2002 में हुई थी और इसका मैनेजमेंट अमृता भार्गव एजुकेशन सोसाइटी करती है। DBS में एजुकेशन के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है। इस स्कूल का टीचर टू स्टूडेंट और टीचर्स टू पेरेंट्स एंगेजमेंट सबसे ज्यादा रहता है। यूपी में इस स्कूल की रैंक 117 और रेटिंग B1 है। थर्ड आता है ब्रजभूषण लाल BBL। ये स्कूल 1990 में शुरू किया गया था। इसका मैनेजमेंट ब्रजभूषण लाल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ये स्कूल अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। यूपी में इस स्कूल की रैंक 130 और रेटिंग B1 है। फोर्थ आता है जवाहर नवोदय विद्यालय, JNV। सरप्राइजिंगली ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। इसकी शुरुआत 1986 में किया गया था और जिस हिसाब से ये अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट और एक्सप्लेन करता है ना, वो तो लाजवाब है। इस स्कूल का एक ही ड्रॉबैक है, वो ये कि ये स्कूल सिटी के काफी बाहर है। सिटी के बाहर होने की वजह से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। JNV का मैनेजमेंट नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है। यूपी में इस स्कूल की रैंक 162 और रेटिंग B1 है। हमारी लिस्ट में फिफ्थ आता है सेंट फ्रांसिस। ये एक क्रिश्चियन स्कूल है जो कि CBSE बेस्ड को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अच्छी एजुकेशन के साथ बिहेवियर सिखाया जाता है जो कि लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इस स्कूल का मैनेजमेंट सेंट फ्रांसिस शिक्षक संस्थान के द्वारा किया जाता है। यूपी में इसकी रैंक 185 और रेटिंग B2 है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो कमेंट करके बताओ।